वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक, आप देख रहे हैं आर एम मोटो व्लॉग्स। तो भाई कैसे हो तुम लोग, होप यू गाइस फाइन। अब मैं ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ, एक्चुअली लेट हो गया हूँ इसीलिए थोड़ा स्पीड भी चला रहा हूँ। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है माइंस के ऊपर, अगर तुम लोग नए हो तो ज़रूर से ज़रूर जाके मेरे पीछे का व्लॉग देखना। मैंने आरआर शॉप में भी काम किया है, फिर अभी माइंस में काम कर रहा हूँ, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर इधर आया हूँ। भाई इंजन और ट्रांसमिशन बनते हुए देखा है, अगर तुमने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, और कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। वैसे मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, ये जाने वाला रास्ता है मेरा। अगर तुम लोग मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हो तो पता चल जाएगा कि ये कौन सा रास्ता है। और मैं अपने ड्यूटी में बस पहुँचने ही वाला हूँ, ये बस ये टर्न ख़त्म होगा, एक पुल आएगा, उसके बाद मैं ड्यूटी में चला जाऊँगा। और भाई मैंने एक वीडियो और बनाई है, संडे को मैं रांची में था तो मुझे एक कमेंट मिला था, राधिका नॉमिलर या कुछ नाम है उनका, जो भी नाम है भाई। तो भाई वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनी है, वो लड़की अपने आप को क्या समझती है मेरे को समझ में नहीं आता। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उस वीडियो को देखना, संडे को रिलीज़ हुआ था। और मैं हाजिरी बनाता हूँ, जल्दी से भागता हूँ, मुझे गाड़ी भी लगाना पड़ेगा, यही तो दिक्कत है भाई। यहाँ पर मेरा हाजिरी घर है, उधर उधर गाड़ी भी लगता है, पर हम उधर धूप में क्यों लगाए, क्योंकि हमको फिर 4 बजे निकलना है, धूप में रख के तो भाई तेल ही ख़त्म हो जाता है। तो भाई ऐसा ही है सीन, हम यहाँ गाड़ी लगा देते हैं, छोड़ देते हैं। बस यहाँ भी इससे पहले अथी था, कैंटीन था, पर अब बंद हो चुका है। तो भाई हम डायरेक्ट तुमको माइंस में मिलते हैं। तो गाइज मैंने टाइम लैप्स इसलिए बनाया क्योंकि भाई एक बोल्डर को हटाने में डोजर को घंटों लगते हैं, और भाई उतना मतलब तुम जो वो 30 सेकंड या 40 सेकंड वो एक घंटा का है वो स्पीड फॉर मतलब टाइम लैप्स, तो तुम जानते ही हो आज के डेट में सबके मोबाइल में रहता है। और तो मेरे कैमरा, और हमको टेस्ट भी करना था कि टाइम लैप्स कैसा होता है सब चीज़ का। और भाई मैं रोज़ दिखा रहा हूँ, मेंटेनेंस हो रहा है, सर्विसिंग हो रहा है टाइमली, सर्विसिंग क्या चेकिंग हो रहा है कि गाड़ी का मोबिल कैसा है, तेल कैसा है, ये सब। तो भाई वो सब नॉर्मली है, और अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरा छुट्टी हो चुका है। तो भाई आज की व्लॉग्स में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। व्लॉग थोड़ी छोटी है क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, थोड़ा मतलब ख़राब लगता है एक तरह से कि भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। भाई अगर सच में तुम अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।